गुड मॉर्निंग जी सबको, कैसा लगा लास्ट वाला ब्लॉग मेरा? आप सब वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं ना, मैंने बड़ा घूमा है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप भी साथ में घूमें। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मांडवी बीच जो है, कल हम जब पहुंचे थे ना, जब मैंने आपको बाय बाय बोला था, एटीवी राइड जब हमने लिया था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हमने प्लान किया, वैसे हम लोग यहाँ से निकल के भुज की तरफ जाने वाले थे, ऐसा प्लान था हमारा कि रास्ते में कहीं वैसे ही गाड़ी में रुक के कार कैंपिंग वगैरह कुछ करने का प्लान था। लेकिन यहाँ कुछ दिखा ही नहीं, हम पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया हमको, तो कुछ नहीं मिला हमको। हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको समुंदर का व्यू दिखाते दिखाते बातें कर, तो हम यहाँ रुक गए। तो ये देखिए, ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन यार बीचेस बहुत प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखो, और वहाँ एक टावर है, टावर हाउस है, मतलब क्योंकि बंदरगाह पे जो वो सामान आता है ना, उनको ब्लिंक ब्लिंक करके वो ऐसा अलर्ट करते हैं टाइप से। तो ये देखिए, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी विंड मिल लगी हुई हैं, मतलब सारा इस्तेमाल करके हवा का बिजली निकाल ली जाएगी, गुजरात वालों ने ऐसा सोचा है। ये देखो ये पेंगुइन को भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं है कि ठंड सिर्फ मुझे ही लगती है। तो आज देखो करमवीर ने कैसे, ये ठंड के लिए नहीं, ये मजे के लिए पहनते हैं। देखो देख, तो ये करमवीर फिर से एटीवी राइड ले रहे हैं। कल जो एटीवी राइड हुआ उसका बिल्कुल मजा नहीं आया किसी को। तो ये करमवीर वापिस आते हुए, तो ये बोट राइड हम करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये मेरी दादा है ना। अच्छा जी, तो चलो हम ये आज, बड़े टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं ये कर लूँ, लेकिन मैं इतनी डरपोक हूँ कि मैं ये कर नहीं पाई। बोटिंग करेंगे आज हम। तो जी, रात को हम यहाँ रुके थे, अब प्रवासी भारतीय हो गए मुझे लग रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखा मांडवी बीच देख के हम लोग निकल गए हैं, और अभी हमने कूच किया है विजय विलास पैलेस की तरफ, है ना जी, जो यहाँ से लगभग 7-7.5 किलोमीटर है अभी। तो ये राइट हैंड साइड में देखिए, पूरा पानी पानी है, पानी पानी है। Light right, Palace Beach Camp. हाँ जी भैया, ये विजय विलास पैलेस किधर को कैसे जाना है, क्या क्या है ये क्या है? ये गाड़ी एंट्री है, 20 रुपए लगेंगे। श्री विजय विलास 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1927। We have entered Vijay Vilas Palace के premises में। कार एंट्री फीस है, लगी है 20 रुपए, और अभी ये अंदर थोड़ा कच्चा पक्का सा रोड है, so let's see how the palace is। तो विजय विलास पैलेस में एंटर कर लिया है हमने, काफी साफ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये बोर्ड है, एंट्री यहाँ से जाने का, वहाँ सामने जाने का। अच्छा ठीक है, हाँ जी, दो जने हैं
और एक स्टिल कैमरा है, एक मोबाइल कैमरा है। यहाँ से अंदर जाना है, टिकट चेक करेंगे भैया। ये इस साइड क्या है? ये गैरेज है गाड़ी का, पहले अस्तबल था, अब कार पार्किंग। अच्छा, तो ये है व्यू एक साइड से अगर देखते हैं हम, बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्रिटी, वेरी प्रिटी, मतलब, और बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम ऐसे, बहुत सारे पैलेसेस अगर हम देखते हैं ना तो वो ऐसे बेजान से लगते हैं, मतलब ऐसे जिंदा दिल टाइप के नहीं लगते हैं, बट ये एक ऐसा पैलेस मैंने देखा है, मतलब मुझे ऐसे बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। रिसेप्शन भी है यहाँ, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। अंदर आना मना है, बट हाँ, यस, यू कैन टेल। यार क्या शाही तरीके से रहते होंगे ये लोग, मतलब वाह, ये है लाइफ, ऐसे होनी चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल। ये शेर भी है देखो यहाँ एक। इनका डाइनिंग रूम है ये। बाहर का वरांडा, ये इनके बैठने की जगह, एकदम भुजमन आबादी गाड़ी आ बच्चा नया गई से। हां हां, कच्चे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बच्चे नहीं गाड़ी हम दोनों देख रहे हैं उसमें। ये एक रूम है, ओ गॉड, मेरा मन कर रहा है मैं भी यहाँ कुछ दिन तो बिताऊं इस महल में, मजा आ जाए। वाह, शाही लाइफ है, मतलब बहुत ही मजेदार है। इतना हल्ला भी कोई मचाता है क्या? तो ये वाली साइड से, दोनों साइड से स्टेयर्स बना रखी हैं ऊपर जाने के लिए, बहुत प्यारा सा लग रहा है यार ये। यहाँ से ऊपर जाएंगे,
ओके, तो ये जो महल है ये इसलिए इतना जिंदा दिल है, मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। मोस्टली जब भी हम किसी पैलेस में जाते हैं तो वी फील कि बड़ा वीराना सा है, कुछ अकेला सा है यहाँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो महाराजा जो थे उनके जो बच्चे हैं, बेटा है उनका भी, जो भुज में रहते हैं ऐसा बताया उन्होंने हमको, और वो महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आते हैं। इसलिए जो बेडरूम्स हैं वो लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि वो पर्सनल ऑब्वियसली वो लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इट्स रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है वो, इसीलिए कि वो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं इसको। साथ है एक क्यूट सी बच्ची, इसको कुछ बोलना है आपको, बोलो। मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम शिवानी है। वाओ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम। तो अभी हम लोगों ने ये पैलेस देख लिया है, अभी यहाँ से हम जाएंगे अम्बे धाम मंदिर, फिर थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको। अम्बे धाम मंदिर आ गए हैं हम लोग। तो ये मंदिर का दृश्य देखिए बाहर से, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से देख लीजिए आप एक बार ऐसा है। साइड में देखो शंभुनाथ, बहुत बड़े सारे। ओके गाइस, तो अभी हम वो टेंपल देख के आ गए हैं। अंदर जैसे मैंने बताया नहीं ले सकते थे, फोटोज अलाउड नहीं था, तो अभी हम भजोड़ी जा रहे हैं यहाँ से, भुज से थोड़ा सा आगे संसद भवन है, वहाँ एक महालक्ष्मी नारायण क्राफ्ट पार्क है, वो देखने का प्लान है। और वहाँ एक और लोकेशन है, वो है आईना महल, लेकिन दिक्कत ये है कि आईना महल जो है वो अभी बंद हो गया होगा, 12 से 3 बजे तक बंद रहता है, तो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमें आज पहुंचना है अहमदाबाद, अहमदाबाद के लिए लेट हो जाएंगे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रात को शायद 12:30-1 बजे तक पहुंचेंगे, अगर हमने आईना महल और ये जो संसद भवन है ये कवर किया। बट हम अपडेट देते रहेंगे आपको, तो देखते रहिए आप। ओके जी, तो ये है एंट्री पॉइंट गेट के, यहाँ से हमको अंदर जाना है, टिकट्स लगता है। ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाया है मतलब, और काफ़ी सारी जगह है, मतलब बिल्कुल संसद भवन है ना जो दिल्ली में, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है, मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन में इतने समय से ये बंद पड़ा है तो पता नहीं क्या होगा। ये छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं सामने, तो काफी अच्छा है मतलब, ये देखो ये करमवीर फोटोग्राफी कर रहे हैं अपनी, कुछ डिफरेंट एंगल से बोल रहे थे कि मैं ऐसे फोटोग्राफी करूंगा। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा मतलब पास से अंदर से दिखाते हैं, ये इस तरह से दो स्टैचू बने हुए हैं, काफी लंबा चौड़ा एरिया है मतलब, काफ़ी खाली जगह होगी मतलब उनके पास, तो ये यहाँ से बंद कर दिया है मतलब, सीधे सीधे जाने का रास्ता बंद कर दिया है, आप अंदर से घूम के जा सकते हैं, तो अपन इधर से जाएंगे अभी। तो ये देखिए यहाँ आगे एक वैसे जय जवान जय किसान टाइप का नारा लगाते हैं ना लोग, चलो बढ़े, चलो बढ़े, चलो जैसे गांधी जी बोलते हैं, तो एग्जैक्टली वही वाला है। तो पीछे महिलाएँ और पुरुष हैं और आगे हमारे बापूजी हैं, तो ये शायद वॉच टावर मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन इसमें लाइट लगी हुई है जो वो सामने ये वाली जो प्रतिमाएं है ना उसके ऊपर सीधी लाइट पड़ती है, तो मतलब शायद रात को कुछ डिफरेंट दृश्य दिखता होगा। तो ये देखिए ये है संसद भवन, हम थोड़ा सा पास से भी देखेंगे कि कैसा है, बट ये बंद कर दिया है, यहाँ सिर्फ शायद कुछ काम ही चल रहा है, अंदर कुछ लोग थे, चप्पलें वप्पलें देखी थी हमने उनकी,
तो मतलब अगर आपको घूमना है तो आपको समय चाहिए होगा मतलब काफ़ी। और ये वाला जो सामने दिख रहा है आपको, ये म्यूज़ियम है। चलो पहले इधर गांधी जी बैठे हैं, चरखा लेके उनके दर्शन करके आते हैं। चलिए अब म्यूज़ियम की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये देखिए ये अंदर स्टैचूज बने हुए हैं, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। गांधी जी बैठे हैं अपना मस्त एकदम। ये अलग से उनका कमरा है, शायद ये अध्ययन कक्ष या कुछ बोल सकते हैं आप। लेकिन सबकी फोटोज लगी हुई थी, गांधी जी अकेले थे यहाँ अपना चरखा लेके, तो शायद अकेले बैठते होंगे यहाँ। कॉर्नर में उनका वो लगा रखा है। पर ये काफ़ी अच्छा है, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब वो सब एकदम अच्छा बना के रखा है, मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सफाई फाई नहीं है। ये देखो वंदे मातरम लिखा हुआ है फ्लैग के ऊपर। अभी थोड़ा सा ये पेंट्री एरिया है, यहाँ खाने वाने का सारा मतलब चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी कुछ था खाने को, बैठने की जगह भी है अच्छी। तो ये है उनका लाइब्रेरी बनाया हुआ है ये। तो ये है लंच हमारा, बिल्कुल इंतजार नहीं किया है करमवीर ने। और ये इसी के साथ खाने के लिए रेडी हैं। खा लो। ये देखो ये जो हमने पहले दिन जो चुराहा पहले दिन सेकंड डे क्रॉस किया था ना, साफ ही दिख रहा है। देखो ये जो करमवीर का फेवरेट चुराहा है। तो अभी हम लोगों ने संसद भवन देख लिया है, जो कि आपने भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं आईना महल। ये है आईना महल। आईना महल पहुंच गए हैं हम। ये माता जी का टेंपल है जो बंद है। तो हम प्राग महल भी देखेंगे, पहले हम आईना महल देख के आते हैं। ये इनका कुआं होगा, यहाँ से रानी पानी भरती होगी। और ये रानी का महल है जो टूट गया है अभी। हाय राम, कैसे शाही तरीके से रहते होंगे यार वो लोग, रहते होंगे। तो ये है आईना महल, यहाँ होम स्टे है, मतलब लोग रहते हैं शायद यहाँ। करने के लिए दे दिया है तो शायद लंबे समय तक इसको यूज करते हैं लोग इसको आईना महल को। और यहाँ से हम प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा है, यहाँ आपको पालकी मिलेगी, घोड़ा गाड़ी, जो बैल खींचते थे बैल गाड़ी मिलेगी। ये देखिए इस तरह से बहुत सारे रूम हैं। ये देखिए ये बैठते होंगे, वो औजारों का कुछ है, ये वो कार्ट है, ये उसके बारे में इनका। और ये है संगीत महल, यहाँ बैठ के वो संगीत सुना करते थे। ये शेर जी हैं, बहुत सारे औजार हैं इनके, भाला भाले और तलवारें हैं ये। तो ये कॉइन्स की हिस्ट्री है, ये उनका कपाट जिसको हम बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है, मतलब अभी भी ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के समय वो लोग पूजा करने आते हैं, उनके जो वंशज हैं, कि यहाँ राजा जी सोते थे
आईना महल है ये, बहुत सारे आईने लगे हुए और ये सारे उनको गिफ्ट्स मिले थे। देखिए इस तरह से ये पराग महल है। पराग महल की बैठक है ये, देखिए कितने सारे लोग बैठते होंगे यहाँ। और इनके शौक भी अजीब हैं, ये देखिए ये शेर जी बैठे हैं यहाँ, असली शेर थे ये। और ये हैं रानी जी की ड्रेसेस, अच्छी अच्छी पोशाकें, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ना, बहुत ही प्यारा सा। राजा जी की एक ही ड्रेस दिखा रखी है इन्होंने यहाँ, शेर जी बैठे हैं एकदम। और ये ऊपर से भी ना बड़ी अच्छी कलाकारी की है, बड़े अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन किए हुए हैं, ये सब उन्होंने बड़े संभाल संभाल के अभी भी रखा हुआ है। पालकी है ये देखिए जिस तरह से, ये छत से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर का दृश्य। तो अभी हम लोगों ने यहाँ आईना महल आपने देखा, पराग महल, और उसके सामने जो काफ़ी मतलब खंडित सी बिल्डिंग थी वो थी रानी का महल, जो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो शुरू से ही रानी के महल के अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं था। अभी तो वो अर्थक्वेक की वजह से वैसे भी टूट फूट गया है तो वहाँ अलाउ ही नहीं करते हैं। बट सच्ची में बहुत अच्छे से मतलब सजा के रखा हुआ है, साफ सुथरी जगह है, हमें बहुत अच्छा लगा। ओके गाइस, तो ये कहीं नहीं था कि ब्लॉग में हम ये भी दिखाने वाले हैं। तो आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या, ये विंड मिल होती है ना, उसका एक पंखा है क्योंकि गुजरात में बहुत सारी विंड मिल है। तो देखिए कितना बड़ा है ये पंखा, मतलब बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा। तो आज आपने बड़ा सारा घूम लिया है और ये है हमारा डिनर। अभी हम अहमदाबाद पहुँचे नहीं हैं, ये है हमारा दूसरा पिज़्ज़ा, आज हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ बोलूँगी बाय बाय। करमवीर बहुत जल्दी जल्दी मिर्ची ऊपर डाल रहे हैं उस पर। और कितने बजे पहुँचेंगे जी अहमदाबाद? 11:30 बजे का टाइम ऐसा लग रहा है कि पहुँचेंगे हम लोग अहमदाबाद। तो यहाँ है आपको बाय बाय, ध्यान रखिए अपना खूब सारा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट से करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे ऐसे थम्स अप दे दे के मोटिवेट करो, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। बाय बाय।